केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर जिले में किसान आंदोलन गति पकड़ने लगा है। शनिवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले किसान कृषि उपज मंडी में इकट्ठा हुए, यहां नारेबाजी कर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि पिछले 10 माह से किसान आंदोलन चल रहा है, बावजूद सरकार ने अब तक काले कानून वापस नहीं लिए हैं। अब आंदोलन के तहत 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसान आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या को मजबूर है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ ही सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज खरीदी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भारत का मजदूर किसान, जब तक तू किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक तू किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। पिछले 10 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो केंद्र सरकार द्वारा काले कानून लाए गए हैं उनके विरोध में किसान बैठे और उन कानूनों को रद्द नहीं कर रहे थे, तो 26 सितंबर को 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 27 तारीख को हम लोगों ने तय किया है, किसान संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि भारत बंद का आह्वान किया है। क्या मुख्य मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांगे है कि ये तीन काले कानून रद्द हो और न्यूनतम समर्थन जो कृषि का भाव हमारी उपज का दाम है वो उसका गारंटी का कानून मिलना चाहिए। पुराने मूल्य और नए मूल्य में कितना अंतर है? नए और पुराने में क्या है? अभी गेहूं का जो बड़ा है मात्र 40 रुपए क्विंटल पर कोई मायने रखता है क्या? तो कोई मायने नहीं रखता, केवल ये लोगों को भ्रमित करने की बात है। आज जो कीमत है कम से कम 3,500 रुपए गेहूं के प्रति क्विंटल की होनी चाहिए और कपास की कम से कम 10,000 रुपए क्विंटल होनी चाहिए, तो जो लागत लगी है उससे मुनाफा किसान को। 24 घंटे के अंदर दो किसानों ने आत्महत्या भी की है, एक मुख्य कारण ये भी आ रहा है, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा? बराबर ध्यान है हमारा, क्यों ध्यान नहीं? क्योंकि कई सारे किसानों ने आत्महत्या की है और ये संघर्ष उसी के लिए है, क्योंकि किसानों को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, उसकी जीविका चलाने का साधन जो खेती है उसकी जो उपज आती है उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, इस कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानेंगे? संघर्ष जारी है, संघर्ष चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, यहाँ भी चलेगा, लड़ाई चल ही रही है और हम लड़ेंगे जब तक हमारा। विधायक रवि जोशी ने आज मुख्यमंत्री से मांग करी है कि किसानों को कर्ज के तले, तो आपकी कुछ ऐसी कुछ मांग जो आप विधायक महोदय तक पहुँचाना चाहें? विधायक महोदय क्या, हम केंद्र से ही कहना चाहते हैं कि जो किसानों जिन किसानों ने आत्महत्या की है कम से कम उनको 1-1 करोड़ का लाभ मिलना चाहिए, उनका अनुदान मिलना चाहिए ताकि उनका परिवार जीविका चला सके। और क्या नाम है आपका? मुकेश भगुरिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।